कल रोजा होगा अब्बा जान? इंशाल्लाह। तैयारी हो गई? जी अब्बा जान। अच्छा भाई, अभी थोड़ी देर में चांद देखने के लिए छत पर चलते हैं। अपनी अपनी दूरबीन साथ ले चलना। आतिफ आतिफ, तुम एक काम करो, अजीम को लेकर हमारे यहाँ आ जाओ। हम सब रमजान का चांद एक साथ देखेंगे। और हाँ, अपनी दूरबीन लाना मत भूलना। यार क्या करना है चांद देखकर? टीवी से तो पता चल ही जाता है। बहुत बुरी बात है आतिफ, तुम्हें पता होना चाहिए रमजान तो अल्लाह ताला का महीना है और हमें बहुत खुशी और एहतमाम से इसका इस्तकबाल करना चाहिए। हम तो हमेशा सब मिलकर बड़े शौक से चांद देखने छत पर जाते थे और देखते थे कि सबसे पहले चांद किसको नजर आता है। ठीक है, जाता हूँ हारिस के घर चांद देखने। बेटा हारिस, इधर आए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी अम्मी, बताइए। बेटा, ये रमजान के सिलसिले में मैंने कुछ खजूर के पैकेट्स बनाए हैं, इन्हें महल्ले में बांट दीजिए। अम्मी, अभी आतिफ और अजीम आए हैं, क्या मैं उन्हें भी साथ ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे अम्मी, ये सब क्यों हो रहा है? बेटा, इस तरह हम रमजान को खुशामदीद कहते हैं और आपस में रमजान की खुशी शेयर करते हैं। रोएते हिलाल कमेटी कुछ ही देर में अपना हतमी फैसला सुनाएगी। वो रहा चांद। कहाँ है? कहाँ है चांद? वो देखो बेटा, वो जो तारा नजर आ रहा है ना, उसके बिल्कुल नीचे एक बारीक सी लकीर है। जी अबू, नजर आ गया। हाँ, मुझे भी नजर आ गया। अम्मी, रमजान मुबारक हो। हाँ बेटा, आपको भी रमजान मुबारक हो। रमजान का चांद नजर आ गया है, कल पाकिस्तान में पहला रोजा होगा। बहू, रोएते हिलाल कमेटी ने भी ऐलान कर दिया, रमजान मुबारक हो। जी अब्बा जान, आपको भी मुबारक हो। जीते रहो, रमजान मुबारक हो। दादा जान, रमजान मुबारक। दादा जान। हाँ बेटा, तुम सबको भी मुबारक हो।